नमस्कार, विराट के बघेले बुलेटिन में स्वागत है। हम आहन पूजा। एक तरफ जहां धीम सिस्टम एक वृद्धि के जान ले लिहिस, वहीं सरकारी सिस्टम में एक बार फिर से सवालिया निशान लगाए दिहिस। घटना के 2 घंटा बाद एम्बुलेंस के सहायता पहुंची। रीवा के नईगढ़ी थाना के महेवा से सड़क दुर्घटना सामने आई है। जोने में ही करीब सुबह 7 बजे 65 वर्षीय बुजुर्ग रामलाल यादव अपने घर के बईबे टहलत रहे, वही समय तेज रफ्तार बस वृद्ध का टक्कर मार दी, जोने में ही बुजुर्ग के एक पैर कट के उनके शरीर से अलग होगा। और 2 घंटा से अधिक समय तक वृद्ध वही सड़क पर तड़पत रहा, लेकिन कोनो वाहन नहीं मिल सका। 2 घंटा बाद एम्बुलेंस आई। संजय गांधी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में वृद्ध के मौत हो गई। नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाया गया है, जोने के बाद शव का परिजनन कर सौंप दिन का। वहीं पुलिस पूरे मामला की रिपोर्ट दर्ज करके जांच में जुटी है। ग्राम महेवा में आज सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच एक बस से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें श्यामलाल यादव उम्र 65 साल निवासी महेवा का, ये रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक बस है MP 18P0547। ये बस रायपुर से इलाहाबाद जा रही थी। इस बस के चालक ने उनको टक्कर मार दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आईं। जिन्हें इलाज के लिए नईगढ़ी अस्पताल लाया गया, क्योंकि चोट ज़्यादा थी, यहाँ से रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था। लोग रास्ते में फौत हो जाने के कारण रीवा शहर के नगर पंचायत सीमा में आबे वाले मसूरिया पंप हाउस के पास एक रपटा पुल के मार्ग बहुत समय से कीन चाल रहा है। वहीं रहने वाले लोग शासन और प्रशासन के साथ साथ नेतन से कई एक बेर एक खातिर गुहार लगाएं, पे गांव के लोगन का आज तक पुल नहीं नसीब है। हनमना बाजार के खातिर कोनो सीधा मार्ग नहीं हुए से यहां के लोग महिला पुरुष और छोट छोट बच्चा घलाए अपने जान का जोखिम में डाल के लकड़ी के पुल से नदी का पार करा थमा। हालत देख के क्षेत्र के विकास के अंदाजा अपनव लगाए सकी थे। समस्या का देख के 2019 में सुखेंद्र सिंह बन्ना काम चलाऊ लकड़ी के पुल बनवाए दिन, जोने के बाद तब से लेके अब तक ओकर के पूछैया नहीं आए। यहाँ बहुत समस्या है, आने जाने में परेशानी होती है, बरसात में अब भी परेशानी है। क्यों परेशानी होती है? अरे यहाँ गड्ढा है, आने जाने में दिक्कत है, देख रहे हैं ना साहब, कोई पुलिया तो यहाँ नहीं करवाया गया। अभी एक पुल दिखाई दे रही है, ये कैसे पुल? ये तो बांस वांस अपने से लगा करके 10-20 आदमी इकट्ठा होकर के यहाँ से चहला के इकट्ठा हुए, लटियारे के इकट्ठा हुए और वहाँ के गिद्धड़ के इकट्ठा हो गए। मुझे भी जानकारी लगी है कि वहाँ पे जब भारी बारिश हो जाती है तो आना जाना पूरी तरह से बाधित हो जाता है और लकड़ी का पार्ट लगा हुआ है। ये बात सही है कि मुझसे भी ग्रामीणों ने कहा, लेकिन अभी उस पर कोई विशेष पहल नहीं हो पाएगी। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि वो बने। देखिए, हम आज़ादी की बात से लेकर के अभी तक की बात नहीं करते, समय समय पर जो जैसा रहा उसने काम किया अपने तरीके से। जहाँ तक मेरे 5 साल का सवाल है, जहाँ मुझे ज़रूरत समझ में आई या जिस रास्ते से मैं निकला और लोगों ग्रामीणों ने मुझसे कहा, हमने प्रयास किया, कई 2-4 जगह बड़े बड़े ऐसे हैं जहाँ हमने पुलों के निर्माण की बात करी, चाहे एक दादर पश्चिम की बात हो, वहाँ पे हमने 1.5 करोड़ की पुलिया मंजूर कराई। हमारे क्षेत्र में 2-3 पुलिया ऐसे थे जहाँ 75-75 करोड़ रुपये के गहड़ारी नाला है, गोपला नाला है, उस पर 75-75 लाख रुपये की पुलिया मंजूर हुई। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।